क्या होगा अगर आपको दे दिया जाए किसी जगह पे जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी हो और यहाँ पे फूड और रिसोर्सेज की कोई नामो निशानी ना हो, तो क्या इस जगह पे आप 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी इस ओशन भरी दुनिया में? तो मैं यहाँ पे 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में इस ओशन भरी दुनिया में। और मेरा गोल है एक महल जैसा घर बनाने का और डायमंड के एन्चेंटेड आर्मर और टूल्स बनाने का और एंडर ड्रैगन को मार कर हमको इस गेम को डिफीट करना है। तो इस चैलेंज को क्या हम कम्प्लीट कर पाएंगे? तो लेट्स सी। डे वन को स्पॉन हो जाता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी चीजों की नामो निशानी नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद यहाँ पे एक शिफ्ट ट्रैक को ढूंढ लेता हूँ। ट्रैक पे आने के बाद यहाँ पे कुछ वुड्स कलेक्ट कर लेता है, लेकिन वुड्स कलेक्ट करते करते यहाँ पे रात हो जाती है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था इस शिफ्ट ट्रैक को ढूंढने में। जितने सारे वुड्स मेरे पास थे उन सारे को प्लैंक्स बना के मैं थोड़ा सा ऊपर चले जाता हूँ ताकि मुझे कोई ड्राउन ज़ॉम्बी और कोई ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी मार सके। डे टू को चला जाता हूँ मैं इस शिफ्ट ट्रैक को लूटने के लिए और चेस्ट में मेरे को काफी सारे आयरन्स मिल जाते हैं और काफी सारे एमलेट्स थे इसमें। और ये खुशी मेरे पास कुछ देर के लिए थी क्योंकि मेरा वाटर बबल भर चुका था और मेरा एचपी ले रहा था और यहाँ पे एक ड्रोन जो भी ने आके मेरे को मार दिया। लेकिन 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 मैं फिर से रिस्पॉन होके वहीं पे आ गया और वहाँ पे उस शिफ्ट ट्रैक को पूरा लूट लिया और लूटने के बाद मुझे एक ट्रेजर मैप मिला। उसे लूटने के लिए मैं चला गया एक आइलैंड पे और हाँ उस ट्रेजर मैप के साथ मुझे कुछ लूटे भी मिली थी, तो बोलना मत ही बाद में क्रिएटिव से लिया। हाँ वहीं पे मैंने खुदाई करना चालू कर दिया और नीचे जाने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पास कोई टूल्स है ही नहीं, तो मैं ऊपर चला जाता हूँ और काफी सारे वुड्स को माइन करने के बाद मैं वुडन टूल्स बना लेता हूँ। वुडन टूल्स में मैंने सिर्फ पिकैक्स बनाया था और पिकैक्स बनाने के बाद मैं नीचे चला जाता हूँ। नीचे मैं स्टोन माइन करने के बाद मैं स्टोन का टूल्स बना लेता हूँ। ऊपर आने के बाद नीचे में मैंने काफी सारे स्टोन माइन कर लिए थे और ऊपर में आने के बाद मैंने सारे स्टोन के टूल्स बना लिया और एक अपने शील्ड भी बना ली। और ऊपर आने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई रात हो चुकी है। फिर भी मैं ट्रेजर वाले लूट को ढूंढने के लिए नीचे मैं माइनिंग करने लगता हूँ लेकिन मुझे नहीं मिलता है, तो मैं फिर से ऊपर आ जाता हूँ। ट्रेजर वाले लूट तो नहीं मिलता है लेकिन मैं ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आने के बाद मैं एक छोटा सा घर बना लेता हूँ और उसके नीचे मैं माइनिंग करने लगता हूँ। अभी रात हो रही तो सबसे अच्छी काम यही थी कि मैं नीचे में माइनिंग करूँ। माइनिंग करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, लिटरली मुझको कुछ भी नहीं मिला, ना ही आयरन मिला, ना ही कुछ भी। आप मेरे इस वाली इन्वेंटरी में देख सकते हो मेरे पास ना ही आयरन है ना ही कोल है, तो मैं इसी सामान को लेकर मैं ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर आने के बाद मैं देखता हूँ तो दिन हो चुकी थी तो मैं चला गया ट्रेजर वाले मैप को लूटने के लिए। लूटने के बाद मुझे एक चेस्ट बहुत मुश्किल से तो मिल गया। अब बारी है इस चेस्ट को लूटने के लिए और चेस्ट को ओपन करते ही मुझे मिलता है डायमंड। भाई साहब मुझे माइनिंग पे तो डायमंड्स नहीं मिले लेकिन इस चेस्ट में मिल गई, बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी तभी तो। अभी मैं इन चेस्टों को लूट कर ऊपर आईलैंड पे आया था तो देखो मेरे को क्या मिला। अरे भाई साहब फूड का तो जुगाड़ हो गया हमारा। काउ को तो मार लिया, अब अपने सारे इंपोर्टेंट सामान इस चेस्ट में रख लेता हूँ। ठीक है मेरे पास एक डायमंड भी है तो डायमंड को भी रख देता हूँ और मेरे को उसमें से दो दो नेम टैग मिल गए थे भाई साहब। तो चलो गाइस यार एक फनेस भी मैंने बना लिया और फनेस को यहाँ पे रख देते हैं और रखने के बाद मैं अपना फूड इसमें कुक होने के लिए रख देता हूँ। देख रहे हो मेरी किस्मत, मैंने इतना सारा माइनिंग किया लेकिन मेरे को एक भी कोल नहीं मिला, मेरे को लकड़ियां डालनी पड़ी है इसमें कुक होने के लिए। और हाँ जब तक मेरी फूड कुक हो रही तब तक तुम लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे देख सकते हो 96% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया यार, बुरा लगता है। अगर तुम सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो मुझे लगता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे कल भी हो जाएंगे। अमेरिका का दलाल। तब तक मैं क्या करता, मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करे कर ले कुछ काम, चलो वुड काटते हैं लेके सब्सक्राइबर्स का नाम। तो प्लीज यार इसी बात पे तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, कुछ तरीका है भीख मांगने का। देखो मैंने यहाँ पे लगभग 1 स्टैक यानी कि 61 वुड काटे थे तो देखो रात हो गई, तो फिर से मैं चला गया उस माइनिंग के एरिया पे और हाँ रात भर मैंने वही बिताया और सुबह मैं गया ऊपर तो दिन हो चुकी थी। और हाँ सुबह मैं गया फिर से वही आइलैंड पे और फिर से मैंने बहुत सारे वुड काट बहुत सारे। शुरू में मैंने तो बोल दिया मुझे महल जैसा घर बनाना है लेकिन बनाने के लिए भाई से मेरे पास कोई रिसोर्सेस ही नहीं है, तो मैं वुड काटने लगा। थोड़ा बहुत वुड काटने के बाद मेरे को देखो शिप मिल गई थी यानी कि एक वुल का तो जुगाड़ हो चुका है हमारा। मैं शेयर बना के उससे बहुत सारे वुल ले सकता था लेकिन मेरे को ये आइडिया आया नहीं तभी और मैंने उस शिप को मार दिया। तभी मैंने एक हो बना लिया, हो बनाने के बाद मैं थोड़ा बहुत सीड यहाँ पे इकट्ठा कर लेता हूँ और जाके उसे प्लांट कर देता हूँ। तभी मैंने फर्नेस में कुछ फूड दिए थे कुक होने के लिए, उसको देखता हूँ और चला जाता हूँ फिर से उसी माइनिंग वाले एरिया पे। इस बार लकीली एक मुझे केव मिल चुकी थी यानी कि इसमें से मुझे आयरन तो मिले पक्के थे, थोड़ी बहुत खोज पिन करने के बाद मुझे कुछ आयरन तो मिल जाते हैं। और हाँ इस केव से मुझे बहुत सारे आयरन मिले थे यानी कि मेरा आयरन कारमा तो कम्प्लीट हो ही जाएगा। उस केव से थोड़ी बहुत आयरन माइनिंग करने के बाद मैं चला तो बाहर आने के बाद मैं देखता हूँ तो मेरे पास 27 आयरन के वस्त थे, तो उन सारे को मैंने स्मेल्ट करने के रख दिए थे। कुछ देर बाद मेरा सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था और मैंने सारे को ले लिए और उसे अपना आयरन का आर्मर बना लिया। अब हम बन चुके थे आयरन मैन। आयरन मैन बनने के बाद मुझे कुछ अलग सा ही फील आ रहा था, एकदम ताकतवर। उसके बाद मैंने कुछ और शिप्स को मार के बेड क्राफ्ट कर लिया था और मैं यहाँ पे बेड लगा देता हूँ, उसी पे रिस्पॉन पॉइंट यहाँ पे सेट कर लेता। और पता नहीं क्यों लेकिन ये सब मेरे सामने सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहे थे और इसको मैंने ऊपरमैन बना दिया।
तो देखो दोस्तों, ऐसे ही हमने काफ़ी सारे ट्राइडेंट वाले जॉम्बी को भी मारे थे, तो एक ट्राइडेंट वाले जॉम्बी ने मेरे को ट्राइडेंट गिफ्ट कर दिया यार, वो भी डैमेज सा। और ऐसे ही मैं जंगल में भटकते भटकते यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखो कितना बड़ा केव है भाई। यहाँ पे मैं भटकते भटकते इस केव में आ चुका था, लेकिन यहाँ पे देखो कितने सारे मॉब्स है, ये सारे मिलके मेरे जान ले लेंगे शायद से। लेकिन तुम्हारा भाई ठहरा प्रो इन सारे को मार के इस केव में अपना लूट करने लगता है, और इस केव में से मुझे बहुत सारे कॉल मिले थे। बहुत सारे कॉल लेकर मैं आ गया फिर से अपने आइलैंड पे। तो दोस्तों अगर मैं तुम लोगों को इतना सारा कॉल वाला पार्ट दिखाता तो तुम लोग बोर हो जाते यार, इसलिए मैं सारे कॉल को माइन करके अपने आइलैंड पे ले आया। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरे पास कितना सारा कॉल है, ऊपर में एक स्टैक है और नीचे में पांच है। ऊपर वाले एक स्टैक का आधा कॉल हम चेस्ट में डाल देते हैं, बाकी बाद हम अपने पास रखते हैं। अब हमको बनाना है एक कैसल। कैसल बनाने के लिए हमको काफी सारे कैंप फायर चाहिए, और इस बीच मुझको काफी सारे वुड चाहिए, यानी कि मेरे को डे 16 से लेकर 20 तक मैंने काफी सारे वुड काटे। फिर वुड काटने के बाद मैं यहाँ पे चलाता हूँ अपने आइलैंड पे। आइलैंड पे आने के बाद मैंने फिर से कुछ कैंप फायर बनाता हूँ, और एक स्टोन सोवल बना के मैं चला आता हूँ यहाँ पे पानी की ओर। और यहीं पे हम अपना ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज के उस पार अपना घर बनाएंगे। तभी वहाँ पे रात हो जाती है और मैं अपने आइलैंड पे जाके फिर से सो जाता हूँ। डे 21 को मैं जाता हूँ ओशन के पास, ओशन के पास अपना ब्रिज लगाने का काम स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ से हमको कैंप फायर लगाते लगाते 10 ब्लॉक ओशन की ओर जाना है, और इस लेयर को हमको 3 ब्लॉक करना है, लेकिन अभी हम 2 ब्लॉक कर रहे हैं, हम इसको बाद में 3 ब्लॉक कर देंगे। और 3 ब्लॉक करने के बाद हमको यहाँ के ओक फेंस ले लेना है, और इसके दोनों तरफ हमको लगा देना है। फिलहाल एक साइड हमारा कम्प्लीट होने वाला, और हमको दूसरे साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो ओके गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो हमारा ब्रिज बन के एकदम रेडी हो चुका है, और यहाँ पे ब्रिज बनाते बनाते रात हो जाती है, तो मैं यहाँ पे जाके सो जाता हूँ। और यहाँ पे हमारा डे 23 स्टार्ट हो चुका है, और कैसल बनाने के लिए हमको काफी सारे स्टोन और काफी सारे डीप स्लेट चाहिए होंगे, तो इसलिए मैं आगे अपने माइनिंग वाले एरिया पे, और यहाँ से हमको काफी सारे स्टोन और काफी सारे डीप स्लेट माइन करने होंगे। तो इसलिए मैंने डे 23 से लेकर डे 30 तक यहाँ पे सिर्फ स्टोन और काफी सारे डीप स्लेट माइन किए, और यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा माइनिंग की थी तो पूरा सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इसलिए सॉरी। और मैं कुछ कुछ सीन दिखा देता हूँ। तो गाइस डे 30 को हम अपने आइलैंड पे आ जाते हैं, और जितने भी सारे सामान हमको कैसल बनाने में चाहिए उस सारे को मैंने चेस्ट में रख दिए। और यहाँ पे मैंने एक स्टोन कटर रखा है, जिससे मैंने कैसल बनाने के लिए काफी सारे इसमें से डिजाइन बनाए हैं, और इस चेस्ट में मैंने काफी सारे कैसल बनाने के लिए सामान रखे है, तो इसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम गया है। तो एडिटर मैन डे 30 से डायरेक्टली डे 40 कर दो, उससे मेरा क्या फायदा। और इस चेस्ट में मैंने बहुत सारे सामान कैसल बनाने के लिए दिया, तो उन सारे को लेके चलते हैं अपने ब्रिज की ओर। तो देखो गाइस यार यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोबल स्टोन लगा के रखे है, और इस बीच में हमको प्लैंक से फिल करना है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमको प्लैंक को लेकर फिल करते जाना है, करते जाना है, और इसको पूरा को हमको फिल कर देना है। ठीक है गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसमें प्लैंक भी फिल कर दिया है। अब हम इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले 2 टावर बनाएंगे, और आप लोगों को मैं पहले बता दूं ये 15x15 का यानी कि 15x15 का प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों प्लेस के बॉर्डर्स बना दिया, अब इसको हमको 7 ब्लॉक तक की हाइट देनी है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक टावर बना दिया, और दूसरे टावर को मैं बनाने जा ही रहा था, तो रात हो जाती है, तो पहले जाके सो के आ जाते हैं। अगले दिन फिर से मैं यहाँ पे आके इस टावर को पूरा कंप्लीट करने लगता हूँ। तो दोस्तों ये भी टावर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और दोनों टावर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और प्लैंक्स लेके इसके बीच में फिल करना है। दोस्तों अब मैं किस तरीके से इस कैसल को कंप्लीट करता हूँ उसका आप लोग टाइमलेस देखो। और यहाँ पे हमारा दोनों टावर बन के रेडी हो चुका है, बस हमके इसे साइड से ऐसे कोबाल्ट वॉल लगाना है। अब हमको इस दोनों टावर के ऊपर बस छत डालना है। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ पे मैंने छत को डाल दिया है, अब हमको इसके पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद इस टाइप से हमको पीछे की ओर वॉल को लेते जाना है। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने वॉल को पूरा ऊपर तक कर दिया है, बस हमको डार्क ओक प्लैंक से लेना है, इस बीच में फिल करते जाना है।
1 hour later. तो गाइस यहाँ पे मैंने दार को ब्लैंक से फिल कर दिया, बस यहाँ पे हमको एक एक ब्लॉक छोड़ के एक एक स्टोन ब्रिक्स लगाना है। अब हमको इस ब्लॉक्स के बीच में आयरन बार्स लगाना है। तो रूम यहाँ पे पूरा अंधेरा अंधेरा है, तो इसको लाइट अप कर देते हैं। और यहाँ पे हम अपने घर के लिए यहाँ पे कुछ खिड़कियाँ डाल देते हैं, जिससे हमारा घर दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और यहाँ से हम अपने ओशन का पूरा नज़ारा ले सकते हैं। तो अब देखो दोस्तों, हमारा घर अंदर से दिखने में कुछ इस टाइप से लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और कुछ लोग बोलेंगे भाई वीडियो तो खत्म होने पे आ रही है और ये 50 डेज पे ही तू वीडियो को बंद कर देगा क्या? तो हाँ यार दोस्तों, मैंने शुरू में बोला था कि सोशल में हम 100 डेज सर्वाइव करेंगे, लेकिन दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है वो 100 डेज वाली, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि इसमें मेरे मोबाइल का कितना ज़्यादा स्टोरेज जाएगा। और मेरे 50 डेज बनाते बनाते मेरे फ़ोन का पूरा स्टोरेज भर गया। और हाँ, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा 100 डेज सर्वाइव की। अभी 50 डेज हो चुकी है और 50 डेज और करना होगा हमको, तो उस वीडियो में हम अपने लिए फुल इंचांटेड आर्मर बनाने वाले, वो भी डायमंड का, और साथ ही साथ में हम एंडर ड्रैगन को भी किल करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं मोटिवेट होकर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला दूं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 100 लाइक, और हाँ ये मेरे औकात से ज्यादा है फिर भी मैं रख रहा हूँ, तो प्लीज यार कर देना हो सके तो। इस वीडियो में मैंने अपने लिए एक आयरन का आर्मर और ताजमहल जैसा दिखने वाला कैसल बनाया है। तो देखो गाइस, मैं अगले पार्ट में बहुत कुछ नया करने वाला हूँ, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।